हाय गाइस, सो अब हम निकल पड़े हैं नादौन जाने के लिए। तो बेसिकली मैं आपको रोड दिखा दूँ, हमारे घर से यहाँ से निकल के ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर होगा पहुँचते नादौन। तो लेट मी स्विच द कैमरा। वैसे हमारे घर के सामने से ही पक्की सड़क जाती है, जैसे कि हिल एरिया में नॉर्मली कच्चा सड़क होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है हमारे घर से जाने के लिए। तो ये जो रास्ता है थोड़ा पहाड़ी है, बट स्टिल रोड जो है वो काफ़ी अच्छा है। और अभी हम जाएंगे सीधा नादौन वाले मार्केट पे, पर उससे पहले हम कहीं पे रुकने वाले हैं, थोड़ा हमें काम है क्योंकि मैं पहली बार रावी के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस, जो आपने पहले जो क्यूट सी बेबी को देखा है वो है रावी, तो आज हम उसको लेके जा रहे हैं और हमारे पास उसका डायपर नहीं था, तो हम कहीं रुकेंगे उसके लिए डायपर लेंगे, फिर उसको लेके घूमने जाएंगे। आपको राइट हैंड साइड पे बहुत दूर पे एक रिवर दिख रहा होगा, वो ब्यास रिवर है। यहाँ से ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर से, मैं फिर कभी इस पे डिटेल वीडियो डालूंगी। आज हम मार्केट इसलिए जा रहे हैं, कल जो है वो अमावस्या का पूजा है और हमें काफ़ी सारा सामान खरीदना है। पूजा का जो लिस्ट हमें मिला है तो उसी के वजह से हम जा रहे हैं मार्केट। और मैं बता दूँ, ये मेरी और पूजा की जो है वो शादी के बाद पहली अमावस्या पूजा है, तो इसीलिए हमारे लिए ये थोड़ा खास भी है। और दो तीन पूजा इकट्ठा आ रहा है, इसी वजह से हमें काफ़ी सारा सामान चाहिए, इसीलिए हम जा रहे हैं। आगे एक बाइक जा रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि मेरे देवर हैं। आगे जाके आपको दो लड़के मिलेंगे, आप देख सकते हो वो छोटा सा चिड़िया पेड़ से गिर गया था तो वो पानी पिला रहे हैं, छोटू सा है, कैमरा में वो कैप्चर नहीं हो पाया है। देख रहे होंगे मैं काफ़ी देर से वीडियो शूट कर रही हूँ पर कोई शॉप नहीं आया था। काफ़ी देर के बाद फाइनली एक शॉप आ गया जहाँ से हम रावी के लिए डायपर लेने वाले हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं। सो रावी का मस्ती जो है वो अभी से स्टार्ट हो गया है, और जो कि हमें आगे जाके काफ़ी भारी पड़ने वाला है, तो आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा इसके लिए। तो हम वहाँ से निकल आए, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मनोज जो है वो हमें वहाँ पे ड्रॉप कर लेंगे और वो अपने गाड़ी धुलाने ले जाएंगे, फिर जब वो अपना काम ख़त्म करके आएंगे हमें आने के टाइम पिक कर लेंगे। तो बेसिकली मैं, रावी और पूजा आज शॉपिंग के लिए जाएंगे। चाहते हो बताओ, बोलो हाय गाइस, हाय कौन, हाय कर दो, रावी पीछे से छलांग मार के मेरे पास आ गई है और जो उसका मस्ती का मूड है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और मुझे वीडियो शूट करने के लिए वो अलाउ ही नहीं कर रही है। सो आपको कुछ देर के लिए उसको देखना पड़ेगा। हम अभी ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, मनोज हमें ड्रॉप करके वो अपने काम के लिए निकल जाएंगे, उनको गाड़ी धुलाना है, तब तक हम शॉपिंग करके ऊपर तक आ जाएंगे क्योंकि मार्केट जो है वो थोड़ा डाउन है, नीचे की तरफ हमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो हमें मनोज हमें ड्रॉप किए और आगे की तरफ बढ़ गए और हमें यहाँ से सीधा सीधा होके नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। और रावी जो है वो अपने आप में ही मस्त है, ना हमें वो टच करने दे रही है, ना उठाने के लिए अलाउ कर रही है, और अपने आप में ही चले जा रही है। अब अगर टू व्हीलर पे आते हो तो यहाँ पे इजीली पार्किंग मिल जाएगा, बट फोर व्हीलर का कोई यहाँ पार्किंग नहीं है। तो अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं जहाँ से आपको हट टाइप दिख रहा है, वहाँ से मार्केट जो है वो बेसिकली स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही ये है नादौन वाला मेन मार्केट जो है वो ऐसे दिखता है, छोटे से गली के अंदर है। हम वहाँ से उतर के आ गए हैं और पहला शॉप पे एंटर किए हैं हम। यहाँ से हम सुहागी उठाएंगे, जो चूड़ी सिंदूर वगैरह वगैरह होता है वो सब उठाएंगे, क्योंकि जो पूजा है वो सत्यवान और सावित्री का है, तो इसी वजह से उसी के अकॉर्डिंग हम सामान लेंगे। पर यहाँ रावी एक मिनट भी चुप नहीं हो रही है और ना मुझे वीडियो शूट करने दे रही है, ना पूजा को शॉपिंग करने दे रही है, हम पूरा उसके पीछे दोनों ही लगे हैं।
ये कौन सा डांस है यार? वो मम्मा नहीं है, नहीं वो, चलो चलो आओ मम्मा इधर आ जाओ, आओ आओ मम्मा इधर आओ, इधर आओ इधर आओ, अंदर अंदर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ अंदर, आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम जैसे तैसे होके ज़रूरत का जो सामान था वो ले लिए हैं, और उसको भी वो अभी लेके घूम रही है, उसको बेसिकली ये उठा के चलना है पूरे मार्केट में। अभी हमें सूट भी लेना है, तो सूट बेसिकली पूजा करने के बाद उसको किसी को ज़रूरतमंद को दान देना होता है, तो बेसिकली पूजा में येलो या रेड यूज़ होता है, तो आई विल गो विद दिस येलो वन, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन और वैरायटी नहीं है। अगर मैं लुधियाना से लेके आती तो मुझे काफ़ी वैरायटी मिल जाता, पर यहाँ पे कम रेट में ज़्यादा वैरायटी नहीं है, तो फिर आई विल गो विद दिस, मुझे ये सही लगा। हम सूट खरीद रहे थे तो रावी पीछे से गायब हो गई थी, तो बाद में हमें ये यहाँ पे मिली, प्याज के साथ पता नहीं क्या करना चाहती है। तो फिर इसने किसी शॉप से गॉगल्स भी उठा लिया, तो बाद में हमें इसको ख़रीदना भी पड़ा, क्योंकि वो काफ़ी देर से पहन के घूम रही थी। मैं जो है काफ़ी देर से कैमरा लेके रावी के पीछे भाग रही थी, तो अभी मैं इसको बोल रही हूँ कैमरा की तरफ देखो, तो वो देख भी नहीं रही है। मार्केट के बीचों बीच एक टेम्पल भी है, वहाँ पे भी हमने दर्शन कर लिया है, और देसी नींबू था वो भी ले लिया है। अब जाके हम पीने वाले हैं नींबू पानी। रावी को भी बहुत चिढ़ मच रही है कि मैं क्यों बार बार आ जा रही हूँ इसको फोकस करने के लिए। सो लास्ट टाइम के लिए मैं फिर से एक बार ये लुक दिखा रही हूँ मार्केट का। तो हम वहाँ से निकल आए, मार्केट से बेसिकली ऊपर आ गए हैं, अभी मनोज के लिए वेट कर रहे हैं। काफ़ी सारा शॉपिंग किया हुआ है हमने। पूजा कुछ कुछ सामान भूल गई थी, तो यहाँ पे एक चूड़ी का शॉप है, तो वहाँ से ले रही है। जब तक मनोज नहीं आते हैं हम लोग थोड़ा और शॉपिंग कर लेंगे। इस बीच फिर से रवि गायब है, चलो देखते हैं अब वो कहाँ पर है। अच्छा सो यहाँ पर वो किसी डॉगी के साथ खेलने में मस्त है। मैं सोच रही हूँ इसको डर नहीं लग रहा होगा, मुझे इस कुत्ते के पास जाने से डर लगता है, और ये तब से खेल रही है। आज तो इसने बहुत ही हद कर दिया है, हमें दौड़ा दौड़ा के 2 घंटे में हमें इसने बहुत पागल कर दिया है। हम गए थे शॉपिंग करने, और मैं सोची थी मैं बहुत अच्छे से कैप्चर करूंगी सब कुछ, यहाँ पे कैसे क्या मिलता है, कैसे शॉप दिखता है। और ये औरत जो है ये इतनी गदर मचाई है, आपको मेरे पूरे वीडियो में वो देखने को मिलेगा। अभी भी शांत नहीं बैठी है, देखो शांत नहीं, इसको ठंडक नहीं पड़ी है अभी भी। फॉर वॉचिंग गाइज, जिसने भी मेरा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, काइंडली गो एंड वॉच। ऑल्सो प्लीज वॉच माई अदर वीडियोज, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। पहुँचते पहुँचते हमें 25 मिनट्स लग जाएगा आराम से, तब तक आप रास्ते को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।